गोहाना के गांव भैंसवाल में हुए जितेंद्र हत्याकांड की गुत्थी सुलझ चुकी है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में आरोपियों को धर दबोच लिया है। दो सगे भाइयों समेत एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर आरोप है कि जितेंद्र की ईंटों व लकड़ी डंडों से हत्या की गई थी और सबूत मिटाने के लिए महिला ने खून से सने डंडे को जला डाला था। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल भैंसवाल गांव में जितेंद्र उर्फ काला, सन ऑफ ओम प्रकाश वासी भैंसवाल, उम्र 41 साल का शव मिला था गांव भैंसवाल के तालाब के पास। उसके सिर पे और मुंह पे काफ़ी इंजरीज थी और इस घटना का खुलासा करते हुए सदर थाने ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीरज सन ऑफ रमेश वासी भैंसवाल, अजय जो कि नीरज का भाई है और अजय की पत्नी शालू। मामला क्या है? मामला ये था कि जितेंद्र और नीरज साथ में परसों रात में ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंक करते करते इनकी कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद नीरज जो है वो अपने घर वापस आ गया। जितेंद्र पीछे पीछे नीरज के घर गया है और उनकी कुछ गाली गलौज करी है जितेंद्र ने, जिसपे नीरज और उसका भाई अजय थोड़ा भड़क गए और इन्होंने बाहर जाके जितेंद्र का एक ईंट से और लकड़ी के बिट्टे से मार के उसकी हत्या कर दी। मैम, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कुछ पता चला? पुरानी कोई रंजिश है? इनका कोई पुरानी रंजिश नहीं है और ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और हत्या करने के बाद नीरज और अजय वापस घर आए थे और घर आने के बाद जो अजय की वाइफ शालू है उसने जो लकड़ी का बिट्टा था जिसपे खून था उसको जला दिया था चूल्हे पे, तो इसलिए हमने शालू को भी अरेस्ट किया। पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर की माने तो रविवार को गांव भैंसवाल में 41 साल के जितेंद्र की हत्या कर दी गई थी और हत्या के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि आरोपी नीरज व जितेंद्र दोनों ने शराब का सेवन किया था। उसके बाद नीरज घर आ गया, उसके पीछे जितेंद्र नीरज के घर चला गया। उसके बाद जितेंद्र गाली गलौज करने लगा, इसी की वजह से नीरज व अजय तैश में आ गए। दोनों ने ईंट व लकड़ी के डंडे से हत्या कर दी और अजय की पत्नी ने हत्या करने में इस्तेमाल लकड़ी के डंडे को जला दिया, इसलिए उसे भी गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।